हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। टेक पैसा की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को ब्लॉक होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हाउ यू कैन सेव योर टिकटॉक अकाउंट फ्रॉम ब्लॉकिंग। तो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट को अपने लैपटॉप में खोला है। ये सेम ही है जैसे आप अपने टिकटॉक को फोन में खोलते हैं, उसी तरह आप tiktok.com में जाके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये वो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हुई है अपने टिकटॉक अकाउंट पे। डिटेल में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक डील चाहिए कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो या आपको पसंद आए तो आपने इसको मस्ट लाइक करना है। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। यहाँ पे आपको कोई कम्युनिटी वायलेशन नजर नहीं आ रही, कोई वीडियो ब्लॉक नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा पुरानी वीडियोस में तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। एक ये वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन। तो ये एक वीडियो थी जिसने टिकटॉक के रूल्स को ब्रेक किया था, इस वजह से ये वीडियो ब्लॉक कर दी गई है। इसी तरह आप और नीचे जाएंगे तो कुछ और वीडियोस भी आपको नजर आएंगे। ये एक और वीडियो है जिसमें टिकटॉक के रूल्स को ब्रेक किया गया था तो वो वीडियो डिलीट कर दी गई है और मुझे एक वार्निंग मिल गई थी। और नीचे जाते हैं तो एक और आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर मुझे वार्निंग मिली थी। इसी तरह जाते जाएंगे तो मुझे यहाँ पे एक और वार्निंग मिली थी। तो मुझे इस अकाउंट पे 6 से 7 वार्निंग मिल चुकी थी और मुझे जो लास्ट मैसेज आया था वो ये था कि अगर एक और कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन हुई तो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये मेरे लिए एक धमाकेदार खबर थी क्योंकि इस अकाउंट पे मैंने काफी मेहनत करना स्टार्ट की हुई है और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे 7,000 फॉलोअर्स हैं, 25-26,000 लाइक्स हैं। तो अभी काफी न्यू अकाउंट है लेकिन मैं इसको खोना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्या हल निकालूं कि मुझे ये आइंदा से वार्निंग ना मिले और मेरा ये वाला अकाउंट ब्लॉक ना हो। तो उसका हल जो मेरे माइंड में आया वो ये था कि मुझे एक और डमी टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहिए जहाँ पे मैं पहले वीडियोस अपलोड करूँ और अगर वहाँ पे मुझे वार्निंग ना मिले तो फिर मैं इसे अपने मेन अकाउंट पे अपलोड करूँ। तो मैंने अपना दूसरा डमी अकाउंट भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पे मैं कोई वीडियोस नहीं रखता। जैसे ही मैं अपनी कोई टिकटॉक की वीडियोस बनाता हूँ तो इस अकाउंट में आके मैं उसको अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के साथ इसकी विजिबिलिटी या तो मैं फ्रेंड्स में रखता हूँ या प्राइवेट में रखता हूँ। इस अकाउंट पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो बेसिकली मेरी इस वीडियो को कोई भी नहीं देख सकता। ऐसा करने का मेरा मकसद ये है कि टिकटॉक इस वीडियो को एक दफा गो थ्रू कर ले, एक दफा रीड कर ले और अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन नहीं हुई तो फिर उसके बाद मैं दूसरे अपने मेन अकाउंट पे उस वीडियो को अपलोड करूँ। मैं इधर से वीडियो को अपलोड फ्रेंड्स के साथ करके 6 से 7 घंटे का वेट करता हूँ और 6-7 घंटे में अगर वो वीडियो इस अकाउंट पे रुक जाए तो दैट मीन्स कि वो वीडियो ठीक है और उसमें कोई वायलेशन नहीं हुई और मुझे कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। फिर मैं अपने मेन अकाउंट में जाके उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ और मुझे कोई उसमें थ्रेट नहीं मिलेगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे लास्ट वार्निंग मिले हुए भी काफी अरसा गुजर गया है क्योंकि जब से मैंने ये दूसरा तरीका यूज करना शुरू किया है अब मुझे मेन अकाउंट पे कोई वायलेशन की वार्निंग नहीं मिलती, मेरा ये अकाउंट सेफ हो गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी और आपके टिकटॉक के अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक या वार्निंग मिलने से बचा लेगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ऐसी और बहुत सी वीडियोस देखने के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।